आरतीआज इस फूड परचेज के नाल रहेंगे, दे विल नॉट बी रिमूव, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है विद द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट होंगी है वो थोड़ा संबंध रहेगा उस जिस तरीके साढ़े नाल बर्ताव कर रहे हैं। जदों तो यह तो मैं है और मैं वो 1% भी उन्होंने सहमत नहीं। जो थोड़ा होया जो थोनू अज थोड़े दिलों के मेरे दिल के भी है, साढ़े बड़े तकड़े वजीर साहब कालरा साहब और मेरे सारे वीरों, मैं जानते हैं थोड़े दिल के की गल है, मैं जानते हैं कि तुसी की महसूस करते हो, की सोच सी और की इन्होंने करवा दिता दिल्ली। असी बड़ी लड़ाई लड़ी जैसे थोनू दस्या है कालरा साहब ने भी और आशु जी ने भी, पर उन्होंने अपनी कुछ सोच यह जी बना ली। अंत में तो इतने तो अं आ गए से कि तुसी अगर खरीद करनी है कर लो, पर फिर असी खरीदांगे नहीं, आप बेच लेना तुसी 133 लाख टन जो भी है, तो साढ़े वास्ते नामुमकिन गल सी। फिर बड़ी कोशिश की, तीन मिनिस्टर साहबान गए नाले, मंडी बोर्ड के चेयरमैन साहब लाल सिंह जी गए उत्थे और उन्होंने भी सारा इन्होंने भी दसता, थोनू आशु जी ने भी दसता होना है, कोशिशा पूरिया हुई ने, लेकिन उन्होंने अपनी सोच है किसानी नाल जो हो रहा वो थोड़े सामने ही है, हुण थोड़े नाल हो रहा है, ये करते रहते ने, पता नहीं इन्हों की ये तो लाभ मिलेगा। पर वैसे मैं इन्हों कहा कि मैनू तो वह दिन भी याद ने कि मैं निका जहाँ हुंदा सी, उदों मैं अपने नानके जांदा सी और नानके जब नरमा हुंदा सी उस जमाने 70 साल हो गए इस नूं, तां मैं उदों अपने नाना जी नाल जाया करदे सी मंडी, या तां मूणक हुंदी सी या जाखड़ हुंदी सी, उत्थे पता नहीं कित्थे हुंदी सी वो देखण वास्ते। ते इह तां बड़ी संस्था बहुत पुरानी है, जिस तरीके नाल चली आई है 100 साल हो गए ने, और ग्रीन रेवोल्यूशन अपना 67 च आया आ, हुण तुसीं आ ढांचा सारा तोड़ना है, इहदा फायदा तुहानूं लाभ की है। हुण आरतीआज की है, सर्विस प्रोवाइडर है, तुसीं उही सर्विस प्रोवाइड करदे हो जो इंडस्ट्री नूं दिंदे ने, इंडस्ट्री विच सर्विस प्रोवाइडर्स होंदे ने, तो तुसीं भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन आपां हुण इत्थे पहुँच गए कि कल साडी मुलाकात होई, मैं तकलीफ दित्ती कालरा साहब नूं कि तुसीं आओ जरा साडे नाल गल करो, नाल आशु जी से नाल असी सारे बैठे से, तो हुण आपां इत्थे फसे होए हैं, तो हुण कणक तां मंडियां च आउण लग गई, आपां नूं हुण इह हुण देखणा पऊ कि कैसे करांगे, अगर नहीं चक्कांगे किसान औखा होगा, और किसान दा और आरतीआज दा रिश्ता बहुत एक नज़दीक रिश्ता है, अगर आपां चक्कांगे तां फिर थोनू चकनी पऊ, फिर आपां नूं उहनां दा सिस्टम मनना पऊगा। उत्थे आए हैं तां मैं कहा सी तुसीं अपने साथियां नाल गल करो, और मैं सच्ची अज कालरा साहब थोड़ा बहुत शुक्रगुजार है, धन्नवादी है कि तुसीं इस गल नूं तुसीं इत्थे उत्थे पहुँचाया। मैं एक गल थोनू सारे नूं कहना चाहुंदा है कि जिस तरीके नाल कालरा साहब ने थोड़ी लड़ाई लिती है, बहुत घट लोग लैंदे ने इस तरीके नाल, मैं धन्नवादी हाँ थोड़ा सच्ची। आई थिंक आशु जी भी उत्थे से, लाल सिंह जी भी उत्थे से, असी सारे उत्थे से जिहड़े कर रहे से, तो ये गल्लां तां हो गईआं। थोड़ा हिस्टोरिकल रोल की है वो भी पता आपां नूं, और असी थोनों यह जी हालत च नहीं आन देवांगे कि थोड़ा बिल्कुल ही कुछ थोड़ा नुकसान बहुत ज़्यादा होवे जिस तरीके नाल चल रहा। पहली गल तां थोड़ी हिम्मत नाल ऐतकी रिकॉर्ड अपनी फसलां हुई ने, थोनों पता है इस साल दे विच मैनूं आंकड़े अज दिते गए ने, 8 जिहड़ियां साडियां खरीद हुई ने साढ़े हुंदे साढ़े जद तो साड़ी सरकार आई है, 2.176 लाख करोड़ 8 सीजन दे विच किसानां दे कोल पैसा आया है, उहदे विचों 90,666 करोड़ पिछले 8 फसलां दे विच उहनां दे जेबां दे विच गया है, और इहदी फार्म यह है 72% इनक्रीज साढ़े 8 सालों नालों जिहड़े पहला से उन्हां दे नालों। सो ये हिम्मत तो थोड़ी है, किसान की हिम्मत होंदी है, फसल तो वह करता है अपनी पैदा, लेकिन तुसी सब कुछ खरीद करवाने हो, सब कुछ करवाने हो, सो ये कंबाइंड एफर्ट है जिहड़ा साडा आड़तियां दा और किसानां दा, ये थोड़ी हिम्मत बगैर ये काम नहीं हो सकता सी। हुण तुसी कल मेरे नाल कालरा साहब ने गल कही कि साड़ा
80% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 20% ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ, ਆਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ 131 ਕਰੋੜ ਸਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਜ਼ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਕਲੂਡਿਡ ਫਰੋਮ MSP ਪੇਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਆੜਤੀਆਜ਼ ਇਸ ਫੂਡ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਰਿਮੂਵ, ਜੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ 48 ਪੇਮੈਂਟ ਇਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਿਡ, ਜੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ FCI ਦੇ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ FCI ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਡਕਸ਼ਨ, 30% ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, FCI ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਂਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ FCI ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ FCI ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਉਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੇ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਬਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ,
आई थिंक साढ़े मिनिस्टर साहब आशू जी ने थोनों भी दस दिता, थोड़े प्रधान जी ने भी थोनों दस दिता, और मैं जो इन्होंने कमिटमेंट्स कीतिया ने मैं उन्होंने नाल है, और असी बिल्कुल टोटल रल के थोड़ी मदद करांगे। जो थो असी औख दे विचों लंघे है वह थोनों असी सुधार लियाना चाहते हैं ताकि औख भी और जिहड़ी मसला अज चल रहा है हुण पिछे पै जाए और असी थोनों लैके अगे लैके जाइए ताकि तुसी भी अपनी रोजी कमा सको और अपने पंजाब दी और अपनी किसानी दी सेवा कर सको। बहुत धन्यवादी हैं थोड़ा सारिया का जिहड़ा अज तुसी और मैं थोड़ा शुक्रगुजार है कि तुसी अपना जिहड़ा ये अपना बैठे से अपने धरने ते वो धरना तुसी चक दिता और अज मंडियां च जाके साडे लोगां साडे पंजाब दी किसानी दी मदद करोगे क्योंकि गरीब किसान 75% तां छोटा जिहा किसान है बेचारे उहदे कोल कुछ भी नहीं, एक किले जमीन है, दो किला जमीन है, तीन किला जमीन है, रोटी थोतों खांदे ने जिहड़ी तुसी करदे हो। इन्नी सेवा तुसी करदे रहे और थोड़े नाल जो वर्ताव होया माड़ा होया। मेरी इको बेनती है हुण कि मंडियां च हुण फसल आउण लग गई, हुण प्लीज़ आपां जिन्नी जल्दी ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं आपां छक्कण लग जाइए, ऐ ना होए कि कदे बारिश आ जाए या कुछ हो जाए किसी का नुकसान हो जाए, तो आपां जल्दी ये करिए। और जिथे तक थोड़ा मसला है कदे भी कोई प्रॉब्लम होए थोड़े मिनिस्टर साहब और मैं उत्थे बैठे हैं, मंडी के चेयरमैन साहब बैठे हैं, मंडी बोर्ड के भी असी रिजॉल्व करांगे। अच्छा लास्ट थिंग, अज ये महामारी की बीमारी फैल रही है, असी अपने तौर पर जो कुछ करांगे असी करांगे ही ऑर्गनाइज। जैसे पिछली दो फसल तुसी चक्कियां ने कोविड के कोई कदे सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन नहीं आए, किसी ने कुछ कहा नहीं और किसी नूं कोई बीमारी नहीं हुई। तुसी प्लीज़ ऐतकी भी ऐतकी हुण बढ़ रहा कम, ये रुक नहीं रहा या प्लैटो नहीं होया हाले बीमारी। अज अपने कोई 3500 के करीब अपने बंदियां नूं कोविड होया, सो आपां प्लीज़ इहदा प्रबंध जरूर तुसी अपने मंडियां दे विच रखना, मेरी बेनती है। आपां इह नहीं चाहुंदे कि पंजाब दे विच ये बीमारी होर फैले। बहुत धन्यवाद थोड़ा सारिआं दा।